नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनकादि मुनियों द्वारा प्रथम उपदेश जो देवऋषि नारद जी को दिया गया। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा, मैं श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ अवश्य प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपा मुझे यह स्पष्ट करें कि उस यज्ञ को किस स्थान पर करना चाहिए। आप मुझे उचित स्थान के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराएं। आप लोग वेद के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए यह भी बताएं कि इस कथा को कितने दिन में सुनाना होगा और इसकी विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। सनकादि मुनि नारद जी की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहना आरंभ किया। नारद जी, हरिद्वार नामक क्षेत्र में अनंत नामक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि निवास करते हैं। देवता तथा अनेकों सिद्ध लोग भी उस स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। वह क्षेत्र बहुत ही सुंदर और मनोरम है। वहाँ भांति भांति के वृक्ष और लताएँ हैं जो स्थान को मनोरम बना रही हैं। उस स्थान की धरती पर बालू बिछी हुई है, जिससे वहाँ की धरती बैठने के लिए बहुत कोमल लगती है। वह क्षेत्र पुष्पों की सुगंध से महकता रहता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले जानवर भी आपस में वैर भाव नहीं रखते। आप उस स्थान पर श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कीजिए। भक्ति अपने जीर्ण अवस्था में पड़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ भक्ति आदि स्वयं उपस्थित हो जाती है। परमात्मा कथा के मधुर शब्द कानों में प्रवेश करते ही परमात्मा कृपा के परिणाम स्वरूप मनुष्य की दिशा और दशा दोनों सुंदर हो जाती हैं। नारद जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के उद्देश्य से हरिद्वार पहुंच जाते हैं तथा सनकादि ऋषिगण भी कथा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही नारद जी गंगा तट पर पहुंचे, संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी सूचना फैल गई। परमात्मा के रसिक भगत संपूर्ण ब्रह्मांड से कथा श्रवण हेतु गंगा के तट पर पहुँचने लगे। कथा सुनने के लिए गंगा तट पर भृगु, वशिष्ठ, जीवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, यज्ञेश्वर, व्यास, पराशर, छायाशुक, जांजलि, जहनु आदि सभी प्रधान ऋषि मुनिगण अपने अपने पुत्रों, शिष्यों तथा स्त्रियों समेत पहुँचे। इसके अलावा समस्त वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण और छहों शास्त्र सभी मूर्तिमान स्वरूप में कथा श्रवण के लिए गंगा तट पर पधारे। सभी पर्वत, समस्त दिशाएं, सभी तीर्थ आदि भी कथा का श्रवण करने के लिए पहुंचे और जो लोग नहीं पहुंचे, उन्हें सूचना देने और समझाने के लिए स्वयं भृगु महाराज गए। कथा सुनाने के लिए सनकादि मुनि विराजमान हुए। सभी ने उनकी वंदना की और परमात्मा का जय जयकार का घोष हुआ। देवताओं ने विमानों से पुष्प वर्षा करके उत्सव मनाया। सनकादि ऋषियों ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत का नित्य निरंतर श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से भक्ति प्रकट होती है और परमात्मा हृदय में वास करते हैं। उन्होंने वर्णन किया कि इस ग्रंथ के 12 स्कंद हैं और कुल 18,000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ सुखदेव जी तथा राजा परीक्षित संवाद है। इसे बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, वह घर तो स्वयं ही तीर्थ के समान हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ मिलकर भी इस कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। परमात्मा के भक्तों को 4 काम अवश्य करने चाहिए। नित्य श्रीमद् भागवत जी का पाठ, भगवान का नित्य चिंतन, तुलसी जी को जल सिंचन तथा गो की सेवा। उद्धव जी ने भगवान से एक बार प्रश्न किया था कि महाराज, आपके वैकुंठ गमन के पश्चात पाप बढ़ जाएंगे, कलयुग का आगमन हो जाएगा और आपके भगत किस शरण में जाएंगे। तब भगवान ने उद्धव से कहा था, श्रीमद् भागवत का जो आश्रय ग्रहण करेगा वो कली के प्रभाव से बचा रहेगा, मेरी माया भी उसे भ्रमित नहीं करेगी। जब भगत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो उसके कानों के माध्यम से सिर्फ कथा का रस ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा भी उसके कानों के माध्यम से प्रवेश करके उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं।
कथा कहती है कि जिस समय सनकादि मुनि श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे थे, तभी अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए देवी भक्ति, भगवान के नाम का कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव करते हुए वहाँ प्रकट हुई। उनके प्रकट के बाद सभी श्रोता जन तर्क वितर्क करने लगे, जिसके पश्चात सनकादि मुनि ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव है, इसी से देवी भक्ति पुत्रों से यहाँ प्रकट हुई है। देवी भक्ति विनय पूर्वक सनकादि ऋषियों को प्रणाम करके बोली, महाराज यह तो कलयुग का प्रभाव है जिसके कारण मैं नष्ट हो चुकी थी, पर आपकी कथा अमृत का प्रभाव है जिसके कारण मैं पुनः प्रकट हो गई हूँ। अब आप आदेश करें कि मैं क्या करूं। भक्ति के प्रेम और विनय में शब्दों को सुनकर सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवी भक्ति, तुम परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों को परमात्मा स्वरूप प्रदान करने वाली हो। संसार के समस्त रोगों, जिन्हें माया मोह आदि से परमात्मा के भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली हो, अतः तुम तो धैर्यपूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के हृदयों में निवास करो। देवी, ये कलयुग के दोष इस संसार को तो प्रभावित करते रहेंगे, परंतु तुम पर इनकी दृष्टि का प्रभाव तक नहीं पड़ेगा। सनकादि ऋषियों ने बहुत ही सरल तरीके से एक रहस्य की बात कही कि भक्ति परमात्मा कृष्ण के भक्तों को परमात्मा का स्वरूप प्रदान करेगी। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो पहली विशेषता परमात्मा की, वो सदैव अनंत स्वरूप है, वह सच्चित है, अर्थात वह किसी से भेदभाव नहीं करता। पूतना जो उसे स्तन पर विष लगाकर स्तन पान करने आई थी, परमात्मा उसे भी मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ सनकादि ऋषियों ने बहुत महत्वपूर्ण रहस्य खोला कि परमात्मा का भगत स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। सनकादि ऋषियों का ऐसा आदेश प्राप्त करते ही भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदयों में जा विराजी। श्रीमद् भागवत साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, इसलिए श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में रहना ही भगत का परम लक्ष्य और परम धर्म है। सनकादि ऋषियों ने कहा, इसके समान अन्य धर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ऐसी और सुंदर कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।